हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्म रैंडम चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमालय लीव 52 के बारे में। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आई है, तो आज जानेंगे एक और मेडिसिन के बारे में किस तरह से काम करती है। इसका नाम जो लीव 52 है, जो कि लीव से नाम है कि लीवर, जो कि लीवर जो हमारा ऑर्गन है, जो मेजर ऑर्गन है, उसका किस तरह से काम करती है, उसकी हेल्थी बनाए रखने के लिए टेबलेट दी जाती है। तो जानेंगे आप इसका यूज कैसे करते हो और आपको लीवर में क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो वीडियो पे अगर नए हैं या फिर चैनल पे भी नए हो, तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी मेडिसिन की जानकारी और भी मिलती रहे। अब जानते हैं कि आपके जो लीवर है उसको हेल्थी कैसा रखा जाए, हाउ टू कीप योर लीवर प्रॉपरली हेल्थी, सो जानेंगे। और जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर जो वस्तु या फिर जो कि एक तरह से जो पदार्थ पाए जाते हैं इसके अंदर, जो टेबलेट के अंदर किस तरह से काम करेंगे आपके लीवर को हेल्दी बनाए रखने के लिए। इसके अंदर जो दो चीज़ प्रेजेंट है, चिकोरी एंड केपर बस। चिकोरी जो कि आपको जो है ना अल्कोहल टॉक्सिसिटी जो होती है उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करता है। अल्कोहल टॉक्सिसिटी जो कि व्यक्ति ज़्यादा शराब का सेवन करने से जो उसका जो लीवर जो एक तरह से डैमेज होने लगता है या फिर प्रॉपर सही से काम नहीं करता है, तो उसमें ये इंग्रेडिएंट काम करता है। और दूसरा जो है केपर बस, वो करता है क्या, एएलटी और एएसटी एंजाइम का लेवल जो प्रॉपर बनाए रखता है, और फंक्शन जो लीवर का मेजर फंक्शन होता है किस तरह से लीवर काम करेगा उसको अच्छी तरह से बनाए रखता है। अब एएलटी और एएसटी क्या है, आपको लगेगा कि क्या चीज़ है। एएलटी जो कि एक एलानाइन ट्रांसमिनेज एक एंजाइम है, जो कि लीवर को हेल्दी बनाए रखने के लिए एंजाइम मेंटेन करना पड़ता है। और एएसटी जो है वो भी एक एंजाइम है, जो कि एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसमिनेज एंजाइम है। तो ये दोनों एंजाइम का लेवल जब भी बनता है तो लीवर अच्छी तरह से काम करता है। अगर ये आगे या पीछे या फिर कम है ज़्यादा होता है, तो इस तरह से लीवर का डैमेज होने या फिर लीवर का फंक्शन जो कि जो काम करता है, जो उसका रोल रहता है, वो अच्छी तरह से नहीं बना पाता, तो वो भी जानेंगे इस वीडियो में। और जो व्यक्ति अगर अल्कोहल को सेवन करता है, आप देख सकते हो कि इसकी जो घर की स्थिति या फिर फाइनेंशियल कंडीशन, कुछ भी कंडीशन हो, कुछ भी अच्छी तरह से नहीं बनी रहती है, तो इस तरह से वो व्यक्ति एक तरह से बर्बाद होने लगता है। तो आप देखेंगे कि अगर ये मेडिसिन कोई व्यक्ति यूज करता है, तो उसका लीवर अच्छी तरह से काम करेगा और उसे शराब का सेवन लेने की इच्छा भी कम हो जाती है एक तरह से। तो अब जानते हैं कि एएसटी और एएलटी का लेवल ज़्यादा होता है तो क्या होता है, कम होता है तो क्या होता है। ठीक है, ये जो मॉनिटर लीवर डैमेज के लिए मॉनिटर करा जाता है लेवल का, तो ये जो लेवल है एएसटी अगर ज़्यादा रहता है एएलटी से तो क्या हो सकता है, एएसटी अगर ज़्यादा है तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है, आपको सिरोसिस हो सकता है, जो कि एक तरह से शराब का सेवन करने से होता है और लीवर पूरी तरह से डैमेज होता है। दूसरा मेटास्टिक कैंसर हो सकता है लीवर का, एक तरह से कैंसर है जो कि एक तरह से फैलता जाता है पूरे लीवर में, और नॉन बाइलरी सिरोसिस हो सकता है। और एएलटी अगर ज़्यादा रहता है एएसटी की कंपेरिजन में, तो आपको वायरल और ड्रग हेपेटाइटिस हो सकता है, और क्रोनिक हेपेटाइटिस सी हो सकता है, और हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। ये सब आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपका लेवल जो एएसटी ज़्यादा हो या फिर एएलटी कम हो कंपेयर में एक दूसरे के, तो जो आप इसका टेस्ट कराते हो आपका, तो इसमें आपको देखने को ये सब मिल सकता है। अब जो हेपेटाइटिस होता है क्या है और आपको किस तरह से फैल सकता है या फिर किस तरह से आपको हो सकता है, और आपको इसको सिम्टम्स जो कि आपके लक्षण क्या होते हैं अगर आपको ये अगर हेपेटाइटिस फ्यूचर में या फिर किसी को होता है, तो जो हेपेटाइटिस काफ़ी एक तरह से कॉन्टेजियस रहता है, हाईली कॉन्टेजियस वायरल इन्फेक्शन है, मतलब बहुत तेज़ी से फैलता है ये अगर आपको किसी भी कॉन्टेक्ट में आते हो, कुछ भी अगर वो अगर व्यक्ति कुछ चीज़ का यूज कर रहा है और जिसको हेपेटाइटिस है आप उसको छूते हैं, तो आपको भी हेपेटाइटिस के चांसेस हो जाते हैं। इसको आप वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हो, वैक्सीन इसकी आती है उसको आप लगाने से इसको दूरी बनाए रख सकते हैं। और आपको जब भी होता है तो आपको हफ्ते या फिर मंथ तक ये आपको चलता ही रहता है, और कभी कभार काफ़ी क्रोनिक लंबे समय तक भी चलेगा। और सिम्टम क्या हो सकते हैं, जॉन्डिस हो सकता है, नोसिया और पेट में दर्द हो सकता है, और किसी तरह से फैलेगा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी फैल सकता है, और इन्फेक्टेड जो फूड कोई व्यक्ति किसी को हेपेटाइटिस से वो खाना खा रहा है उसके थ्रू आप अगर उसका खाना शेयर करते हो, तो आपको खाने के थ्रू भी हेपेटाइटिस हो सकता है। और कुछ अलग अलग कंटामिनेशन जो कि गंदी पदार्थ या फिर कुछ भी एक तरह से पदार्थ रहते हैं जहाँ पे काफ़ी गंदगी है, वो छूने से भी आपको हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया आपके पनपने से वो हवा के थ्रू एक तरह से एयर में आ सकते हैं, और आपको हेपेटाइटिस के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये सब आपको लीवर की बीमारियाँ हो सकती है। तो ये टेबलेट क्या करेगी, आपके जो भी लीवर का जो फंक्शन है, इम्यूनिटी है, वो काफ़ी बनाती है और आपका लीवर को हेल्दी बनाती है। तो ये आप
अगर टेबलेट हिमालय का जो मार्केट में अवेलेबल है आप ले सकते हैं, एक तरह से डाइटरी सप्लीमेंट है, तो आप डॉक्टर द्वारा भी आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई सी कंडीशन है तो सलाह लीजिए कि आप कब ले सकते हो और कितना ले सकते हो अगर आपको कोई कंडीशन है। बाकी नॉर्मली आप इसको दिन में एक बार ले सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।